आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलो के फंक्शंस। तो टैबलो के फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, तो हम ऐसे थ्योरिकल बात करेंगे, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे अगली क्लास में। तो ये मुझे फंक्शन मिलेगा कहाँ पे? तो सिंपल सा आप टैबलो के हेल्प साइट पे जा सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो गूगल पे टैबलो फंक्शन लिस्ट, और यहाँ जो आपका help.tableau.com है, ये आपका ओरिजिनल साइट है, उसको खोलिए। और यहाँ पे आपके सामने यहाँ फंक्शंस आ गए, और फंक्शंस में आपके कैटेगरी है, जैसे नंबर कैटेगरी, स्ट्रिंग कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी वाइज आपको फंक्शंस दिखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर कैटेगरी की। ये फंक्शन मिलते जुलते एक्सेल के फंक्शन से है, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे सबसे पहला फंक्शन है एबीएस, एब्सोल्यूट नंबर, जो कि माइनस को प्लस में और प्लस को प्लस में रखता है। ये आपका एक कॉस थीटा का मान देता है, ये साइन थीटा का मान देता है, ये टैन थीटा का मान देता है। सेलिंग, सेलिंग का काम है आपका राउंड करना नंबर को, नियरेस्ट नंबर को राउंड करता है। लेकिन एक्सेल में सेलिंग का मतलब कुछ और है, बट यहां पे सेलिंग का मतलब है जस्ट राउंड द नंबर। जो 3.14 है तो यहां पे आपको 4 कर देगा। ओके, एक कॉस थीटा आपका कॉस थीटा का मान देता है, ये आपका कॉट है। कॉट जो है ये करता है कंटीन्यूअस एंगल ऑफ द सिफाई नंबर रेडियंस, ये मैथमेटिकल पार्ट है छोटी, इसको डिग्री भी आपका डिग्री निकालता है। डीआईवी आपका क्या करता है, ये आपका निकालता है रिटर्न द इंटीजर। ओके, हाँ, ये निकालता है आपका कि आपने जो नंबर दिया है और जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें आपका ये डिविडेंड कितना होगा विदाउट डेसिमल, मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपका 11 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये 5 हम यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे 10 होगा, और ए हमारा अब यहाँ पे कट गया, 1 आया। अब इसके बाद मुझे डेसिमल डालना पड़ेगा, ए 5, डेसिमल डालने से पहले जो 5 आपका डिवाइडेड है वो आपको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक्सपोनेंट दिखाता है, ये आपका फ्लोर, फ्लोर भी आपको राउंड डाउन करता है, ध्यान रखिएगा क्या करता है, राउंड डाउन, सेल डाउन राउंड अप करता है, और ये आपका राउंड डाउन करता है, लेटेस्ट वैल्यू बताता है आपका। अगली आपका आता है, ये आता है हेक्स, हेक्सा बाइनरी, इसको बोलते हैं हेक्सा बाइनरी। तो हेक्सा बाइनरी में लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड हम डालते हैं, तो उसका जगह का नाम दे देता है, लेकिन ये यूज हम लोग मैप में ज्यादातर करते हैं जब हमें नहीं पता होता, तो उस केस में। ठीक है, लॉग हो गया। मैक्सिमम, मैक्स मैक्सिमम नंबर देता है, मिन मिनिमम नंबर देता है, पाई पाई का मान देता है, पावर स्क्वायर निकालता है, जैसे पावर स्क्वायर क्यूब जो होता है ना, जितना पावर डालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद राउंड राउंड फिगर करता है उस, लेकिन इसमें प्लेसेस आप दे सकते हो। अभी आप बोलोगे स्लेव एट फॉलिंग भी तो राउंड का काम करता है, बट उसमें क्या है कि आपका नंबर राउंड कर देता है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 3.453 ऐसे आपके बहुत लंबी ये है डेसिमल प्लेसेस हैं, तो उसको जो है आप अपने हिसाब से कि 2 डेसिमल प्लेसेस रखना है, 1 डेसिमल प्लेसेस रखना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। ये आपका साइन, साइन ऑफ द नंबर है, अगर नेगेटिव है तो 1, पॉजिटिव है तो 1, पॉजिटिव 1, नेगेटिव है तो नेगेटिव 1, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1, 0 है तो 0 दिखाता है। ये साइन आपका साइन थीटा का मान दिखाता है, स्क्वायरटी आपका स्क्वायर रूट निकालता है, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना, आपका स्क्वायर के स्क्वायर पावर आपका है, उसमें आपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 2 का पावर, 3 पावर, 4 पावर, क्या पावर रखना है। स्क्वायर फिक्स होता है कि आपका स्क्वायर ही देगा। ठीक है, अब इसमें देता है जेड एन, जेड एन क्या करता है कि इसके अंदर जो वैल्यू देंगे आप, अगर आपका वैल्यू नल हुआ तो उसके जगह पर वो 0 देगा। तो ये आपके नंबर कैटेगरी के फॉर्मूले थे। अब नंबर कैटेगरी के बाद अगली कैटेगरी आती है, वो आती है हमारा किसकी, टैक्स कैटेगरी, स्ट्रिंग कैटेगरी।
अब स्ट्रिंग कैटेगरी के बारे में हम जानते हैं, ये आपका एससीआई स्काई वैल्यू दिखाता है, जैसे एक्सेल में कोड का फॉर्मूला था ना, ये काम कोड का फॉर्मूला हाँ होता है ऐसा। यहाँ पे कैर है, ये आपका कैर कोड से मतलब एसक्यूआई वैल्यू से कोड दिख देता है। फिर आपका आता है कंटेन, आपने फाइंड का फॉर्मूला देखा होगा एक्सेल में, हाँ तो फाइंड का फॉर्मूला जैसा ही है कि एक बड़ी सी वर्ड के अंदर में एक छोटा सा पार्ट को ढूंढना, अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ओके कंटेन मतलब कहीं भी, और सेम एंड भी था मतलब कि जो आप ढूंढना चाहते हो एंड में होना चाहिए। और फाइंड जो है आपका ढूंढता है, ढूंढ कर उसका पोजीशन देता है, क्या कि उसका पोजीशन है कहां पे। ठीक है, हाँ नॉर्मल एक्सेल में जो फाइंड होता है उसी फाइंड को यूज करता है। फाइंड नंबर, अब इसमें हमने बोल दिया कि अब जैसे कि फाइंड तो अपने हिसाब से देगा, लेकिन मुझे अगर दूसरे नंबर को फाइंड करना है, बंद कर दो, दूसरे नंबर को फाइंड करना है कि भाई फाइंड दूसरे नंबर में होना चाहिए, मतलब कि ये हमें पहला ए नहीं दूसरा ए चाहिए या तीसरा ए चाहिए, तो इसके लिए यूज करते हैं। लेफ्ट नंबर को लेफ्ट से अलग करता है, लेन उसकी लेंथ निकालती है, लोअर उसको लोअर में कन्वर्ट करता है, एल ट्रिम राइट लेफ्ट से ट्रिम करती है, मैक्स मैक्स मैक्सिमम निकालती है। मैक्स में इस मैक्स में देखिए ए और बी है, तो इसमें से अल्फा एप्पल में बनाना लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये बनाना दिया, हाँ बनाना में ज्यादा लेटर है बड़ा है। हाँ मिड जो है बी से किसी भी नंबर को अलग करने का काम करती है। मीन आपका मिनिमम सेम ऐसे दो टेक्स्ट के बीच में अगर काम है तो कम दिखाता है। रिप्लेस, किसी भी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस करने का यूज करते हैं। और आई राइट आपका राइट से अलग करता है, एल ट्रीम आपका लेफ्ट से ट्रीम करता है, स्पेस जैसे जितना नंबर ऑफ नंबर देंगे उतनी बार स्पेस अलग करेगा। स्प्लिट, स्प्लिट में होता है कि अगर आपने जैसे कि हमने यहाँ पे स्प्लिट दे दिया दिया हुआ है, मुझे डैश के अकॉर्डिंग दूसरे नंबरों को स्प्लिट करना है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। जैसे सुजीत कुमार से आपका सेकेंड नेम चाहिए तो यहाँ से आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है स्टार्ट विथ, आप कोई नंबर फाइंड करना चाहते हैं लेकिन स्टार्टिंग में वही वर्ड होना चाहिए। ट्रिम ट्रिम देता है, अपर अपर देता है, तो इन सारे फंक्शन को आपको इस्तेमाल करना है टैबलू में। तो सर टैबलू में इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो टैबलू की डेटा सोर्स पे, हम फिलहाल डेटा सोर्स पे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने अभी लेफ्ट राइट के बारे में हमने जाना है, राइट। हेलो, हाँ सर अब जैसे कि मुझे यहीं पे देखो कि यहाँ पे हमारा ग्रांड टोटल डेसिमल में आ रहा है, मुझे इसको राउंड करना। हाँ मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने क्या क्रिएटेड वैल्यू फील्ड, और इसमें हमने डाल दिया राउंड। हमने यहाँ पे अब मुझे राउंड में डेसिमल प्लेसेस आप हटा देने हैं, तो हमने यहाँ पे सेलिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और इसमें नंबर दे दिया जी टोटल ओके। इस पे इक्वल नहीं लगाना है, गलती से इक्वल लगा दिया, एक्सेल की आदत है सर। आ गया, अब मुझे इस जी टोटल को नहीं शो करना है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं इसको हाइड कर देता हूं, तो मुझे अब ये नहीं शो करेगा। तो अब मैं इसके ऊपर अपना जो एनालिसिस लगाऊंगा, इसके ऊपर एनालिसिस, समझ गए। हाँ सर तो इसी तरह से आप इसको यूज करके देखें, फिर कल हम और सारे सबको अच्छे से पढ़ लें समझ लें, फिर कल हम इसको इसके एक एक यूज के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके हाँ।